नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, 12 मार्च 2024 का वो दिन है जहां पर भाई हरियाणा की राजनीति के अंदर भूचाल आ गया। जी हां साथियों, आप सामने तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री और गब्बर के नाम से मशहूर श्री अनिल विज जी नाराज़ होकर भाई गाड़ी में बैठकर चले गए। जी हाँ साथियों, पता नहीं कुछ ऐसी बातें हुई आपस में इनों के बीच की, भाई जो है अपनी सरकारी जो गाड़ी मिली हुई थी उसको छोड़ करके प्राइवेट गाड़ी के अंदर बैठकर चले जाते हैं। काफ़ी मनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं माने भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी कोई बात हुई है जिससे ऐसा लग रहा है कि अनिल विज जो हैं वो आहत हुए और नाराज़ होकर चले गए। यानी कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद से ही पूरा का पूरा सियासी माहौल गरमाया हुआ है और काफ़ी गहमा गहमी राजनीतिक पार्टियों के अंदर चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, 4.5 साल से जो भाई गठबंधन सरकार चल रही थी जेजेपी और बीजेपी की, लेकिन आज जो भाई ये जो गठबंधन है वो टूट चुका है और अब देखना ये है कि भाई आगे इस राजनीति के अंदर क्या होता है। क्योंकि साथियों, अब बताया ये भी जा रहा है कि भाई नायब सैनी सिंह को जो है सीएम बना दिया गया, जिस 5 बजे जो भाई शपथ ग्रहण समारोह होगा और मनोहर लाल खट्टर जी को वही जो है बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल की जो खबर है यही निकल के आ रही है भाई, जो गब्बर नाम से मशहूर हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी वो वही नाराज़ होकर के वहाँ से चले गए और प्राइवेट गाड़ी के अंदर वो हैं तो गए हैं, सरकारी गाड़ी को वहाँ पर छोड़ चुके हैं। तो साथियों, आपको बीजेपी और जेजेपी के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर रखें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।